जानना चाहूंगी आपसे कि आपकी राय कि क्या तज्जिया देंगे 2014 के 126 दिनों के धरने ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी मुतासर हुई, और एक बार फिर क्या ये लोग ऐसा ही कोई धरना देने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या एक बार फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसे ही मुतासर होगी? जी, पहले तो एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, मेरा नाम नजर अब्बास नहीं है, मतलब जी, जो आपने बात की पीटीआई के धरने की, जो माजी में इन्होंने दिया 2014 में और उसके बाद सलसल इनका रहा, तो उसने पाकिस्तान की मैशियत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा और पाकिस्तान के जो कौमी अदारे थे जितने भी उनकी क्रेडिबिलिटी को उन्होंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इस तरह कर दिया कि उन्होंने धरने जिस तरह दिए और वो अदारे सिर्फ इस वजह से खामोश रहे जो सिक्योरिटी से मुतल्लिक अदारे थे, क्योंकि अगर वो सिक्योरिटी फोर्सेज पीटीआई के दर्जे के शुरका पर फायरिंग करते या उन्हें बाई हुक एंड क्रुक या बाई फोर्स रोकने की कोशिश करते तो खून खराबा बहुत बड़े पैमाने पे होता, जो कि पीटीआई की लीडरशिप, जो मरकजी लीडरशिप थी जिसमें इमरान खान शामिल है, इनकी ख्वाहिश यही थी कि लाशें उन्हें मिले। इस दफा के भी धरने में उनकी ख्वाहिश यही थी कि बेतहाशा लाशें उन्हें मिले और उन लाशों के ऊपर सियासत करें। ठीक है, इमरान खान का शुरू दिन से ही यही मौकफ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इंतजार की कैफियत रखी है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, इकदार उन्हें मिल जाता है तो ठीक, अदरवाइज वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान इंतजार की कैफियत में रहे, हिजानियत की कैफियत में रहे और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है कभी भी ग्रो ना कर सके और पाकिस्तान के तमाम अदारे जो हैं वो अंडर प्रेशर रहे। इनके धरनों का बुनियादी मकसद जो आपने बात की है वो यही है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को और पाकिस्तान के तमाम अदारों को और उनके सरबराहों को अंडर प्रेशर रखा जाए और अपने जो मुफादात हैं और जो माजी में इन्होंने क्राइम किए हैं फाइनेंशियली या दीगर जो क्राइम है इनके, उनके ऊपर पर्दापोशी रहे और इन्हें बेलोग रखा जाए। सर, क्या आप चौदह के 126 दिनों के धरने की अगर हम बात करें या धरने पर जाने से पहले के दिनों की बात करें तो तब अगर हुकूमत ने मार्जन दिया तो पार्लियामेंट हाउस पर भी हमला किया गया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से, पीटीवी के ऑफिस पर भी हमला किया गया और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट पर भी, मतलब ये 14 से भी यही तारीख चल रही थी जो हमने सानहा 9 मई की सूरत में भी होते देखी। जी, आपने आपने अभी जो बात दोहराई है माजी की 2014 की, तो आपको याद होगा कि उन दिनों पिशावर एपीएस में 156 से ज्यादा बच्चे जो थे वो शहीद हो गए थे और उसके बाद इमरान खान का जो धरना था वो उन्होंने जब कॉल ऑफ किए उस धरने को और उसके फौरी बाद इन्होंने मैडम रेहम खान के साथ शादी की। और मजे की बात के अभी तक शायद लोगों की, हमारे तो याददाश्त में वो चीज बिल्कुल है क्योंकि मुझे याद है कि उस वक्त इनकी शादी की जो तकरीब हुई थी निकाह की और उसके बाद उसकी मॉडलिंग की पिक्चर जो थी वो रिलीज करवाई गई थी मीडिया को स्पेशली, और वो मरी के मुजाफाती इलाके में इनकी निकाह की तकरीब हुई थी। 10 दिन भी नहीं गुजरे थे उन बच्चों की डेड बॉडीज को दफन हुए और हर घर में पाकिस्तान के उस वक्त याद है कि माएं अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले रोती थी और ख्वातीन के अलावा मर्द और हर शख्स जो था और वो गम और दुख की कैफियत में मुबतला था, मगर इमरान साहब को उस वक्त सिर्फ अपनी शादी की फिक्र थी, उन्हें 156 जो बच्चे शहीद हो गए थे उनकी उनका कोई दुख नहीं था। ये इमरान खान साहब का एक किरदार है, ठीक है। उसके बाद आप देखें हम किसी के जाती फेल पर नहीं जाते, मगर पाकिस्तान का जो माशरा है वो एक कंजर्वेटिव माशरा है, हम कोई इतनी लिबरल सोसाइटी नहीं है। इनका जो किरदार रहा है माजी में और अभी भी जो इनका किरदार रहा है, तो उससे जाहिर हो जाता है कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान से या पाकिस्तान की अवाम से या पाकिस्तान के जो कल्चर है सोसाइटी उससे इनका कोई, ये सिर्फ अपनी जात के अंदर खेलने की खादी है। इन्होंने पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान के अदारों को और पाकिस्तान के अवाम को जस्ट एक वो क्रिकेट मैच की तरह लिया और इतनी बुरी तरह इन्होंने सारे सिस्टम को रौंदा है कि जो लोग इन्हें लेके आने वाले थे अब वो भी शायद अपने गिरेबानों में जान के तो शर्मिंदा होने की कोशिश करें, मगर शायद उन्हें वो शर्मिंदगी नहीं है क्योंकि अभी तक उनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ जो इन्हें लेके आने वाले थे। ठीक है, क्या कहते हैं 2014 में बानी पीटीआई खुद अपने इस एहतजाज को लीड कर रहे थे, मौजूद थे, ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ थे, 2024 के इस धरने में, इस धरने का आगाज हुआ और फिर किस तरह से इख्तिताम पजीर हुआ, क्या गलतियां रहीं बानी पीटीआई की जानिब से, क्योंकि वो भी जाहिरी बात है जेल में बैठकर ऑन ग्राउंड रियलिटी से तो वाकिफ नहीं है,
बुशरा बीबी गैर एलानिया सरबराही के तौर पर सरबराही करती रहीं इस एहतजाज की, तो कहाँ कहाँ खामियां हुई, कोताहियां रहीं, गलतियां हुई पीटीआई की आदत से? देखिए, खामी और कोताही की तो उस वक्त हम बात करेंगे ना जब कोई ऐसा इशू हो कि जिस पर पूरी कौम मुतहद हो या कौमी इशू हो, तो उसके ऊपर। ये तो सिर्फ इमरान खान साहब की अपनी जात की हद तक था कि वो एक रिलीफ चाह रहे हैं कि वो हुकूमत को, हुकूमती अदारों को ब्लैकमेल कर जेल से बाहर आए और उनके साथ जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के अदारे हैं, यानी कि सीधी तरह आप नाम ले लेंगे, वो पाकिस्तान आर्मी के साथ मुजाकरात करना चाह रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर के साथ मुजाकरात करना चाह रहे हैं और उनके साथ वो वही डील करना चाह रहे हैं जो जनरल बाजवा और जनरल पाशा के दौर में उन्हें माजी में मिली थी और जिनके कंधों पर ये सवार होके इक्तदार में आए थे। मगर इस दफा जो है वो ऐसे गेट नंबर 4 जो है वो सबके लिए बंद कर दिया गया, ऐसे तमाम लोगों के लिए, ठीक है, जिसकी वाजह मिसाल इसका हमें शेख रशीद की मिलती है कि जो उस वक्त रावलपिंडी की गलियों में जो है वो बिल्कुल बेयारो मददगार घूम रहे होते हैं और वो एक अजीब सी उनकी हिजानी सी उनकी कैफियत है। ऐसे तमाम जो करदार थे वो इस वक्त उनके लिए वो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं फौज में। तो इमरान खान साहब का अभी तक ये जो आपने बात की है, उनका मौकफ कोई नहीं था, उनका जो एजेंडा था वो सिर्फ यही था कि वो फौज को दबाव में लेके आए और सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लेके आए और अपने मुतालबात मनवाए और एक जेल से बाहर आए और उसके बाद वो नए इलेक्शन चाह रहे हैं कि इलेक्शन भी उनकी मर्जी के हों। वो इलेक्शन नहीं चाह रहे, वो इलेक्शन अपनी मर्जी के इलेक्शन चाह रहे हैं 2018 वाले, ताकि वो दोबारा किसी तरह इक्तदार में आ जाए। अच्छा, तो इसलिए कोई ऐसी गलती या कोताही तो मैं तो अकाउंट ही नहीं करता, ना ही करनी चाहिए हमें एज ए मीडिया पर्सन। अभी हमने अपनी आंखों के साथ इस्लामाबाद में जो उन्होंने किया है, हाल जिस तरह इनका शो फ्लॉप हुआ है, 10 साल से ज्यादा हो गए हैं केपीके में इमरान खान की पीटीआई की हुकूमत और वहां पर ये 1 लाख से ज्यादा, तो दूर की बात है 10,000 से ज्यादा बंदा वहां पे इकट्ठा करके इस मजमे में नहीं लेके आ सके, तो ये इनका फेलियर है। लोग इस दफा इनके साथ नहीं है, टीटीपी के लोग या अफगान रेफ्यूजीज जो वहां पर केपीके के अंदर हैं वो, या इनके जो डाई हार्ट वर्कर या जो इन्होंने ऑन पेमेंट देकर लोगों को अपने जलसों में बुलवाया है, वो लोग थे इस वक्त इनके जलसे। अच्छा, हमें बताइए, आपने कहा अब गेट नंबर 4 तमाम तरह से लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, क्या वजह है? कभी यही नाम बहुत अजीज हुआ करते थे और गेट नंबर 4 के कितने चक्कर लगाया करते थे और इन्हें इजाजत हुआ करती थी अंदर आने की, तो वजह क्या है? वजह बिल्कुल सामने आ चुकी हुई है कि इमरान खान और पीटीआई समेत ऐसे तमाम लोग जो कंटेनर की सियासत करते रहे, मुल्क के अंदर आग लगाओ, जलाओ, गिराओ और इंतजार की कैफियत और अवाम के अंदर जो है वो बगावत का एलिमेंट जो है वो पैदा करने की कोशिश करते रहे, नौजवानों को वर्गलाने की कोशिश करते रहे, जिससे पाकिस्तान की जो सालिमियत है उसे खतरा शुरू हो गया था, लाहक हो गया था, यानी कि पाकिस्तान को बैरूनी तौर पर इतने खतरात का सामना नहीं करना पड़ रहा था जो कि अंदरूनी तौर पर इन लोगों के इस रवैये की वजह से और इनके अग्रेसिवपन की वजह से और अपनी जात की हद तक जो लोग ये कर रहे थे उसकी वजह से पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा खतरात हो गए थे। और दूसरी बात है कि इन लोगों ने कोई डिलीवर नहीं किया, तो फौज की मौजूदा जो क्यादत है, जाहिर है जब क्यादत फौज की तब्दील होती है तो उसका अपना एक एजेंडा होता है, तो फौज की इस क्यादत ने फिर जो है वो अपनी माजी की जो उनके अदारे की गलतियां थी उन्होंने तस्लीम भी किया और उसका भरमला इजहार भी किया। DGISPR ने आकर नेशनल टीवी पे आकर ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी माजी की, अपने अदारे की उन गलतियों का एतराफ किया और उन्होंने कहा कि हमने माजी में जो कुछ किया, हमसे अदारे से गलतियां हुई हैं, अब हम उसे पसे पुस डालकर दोबारा हम एक नए सफर की तरफ रवादवा हैं और उसमें हम कोई गलती नहीं करेंगे। इसीलिए ऐसे तमाम जो डर्टी करैक्टर थे, स्ट्रीट बॉय के करैक्टर थे, उन सब के रास्ते बंद कर दिए गए और उनके लिए दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। उसमें सर फहरिस्त इमरान खान है, क्योंकि ये एक अनोखा लाडला था और इनका एक अपना मखसूस एजेंडा था और ये प्राइम मिनिस्टरशिप से नीचे नहीं उतर रहे थे, तो जब उनके लिए दरवाजे बंद हुए तो उसके बाद पूरी कौम ने देख लिया कि इनका हाल क्या है और ये धरने पे धरना और एहतजाज की कॉल और प्रोटेस्ट और वो आप सारे के सारे इनके फ्लॉप हो गए और ये शो जो था इनका मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुआ। उसमें कोई एजेंडा या कोई इनकी गलती नहीं थी, क्योंकि लोगों ने, आवाम ने देख लिया, ट्रेडर्स ने देख लिया, बाकी तमाम बिजनेस कम्युनिटी ने देख लिया कि इनके इस कॉल की वजह से जब भी ये इस तरह की इंतजार की कैफियत पैदा करते हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अदारों के अंदर, तो नुकसान होता है। ठीक है सर, हमें बताइए, बहुत सारे लोग सियासी इख्तलाफ रखने की वजह से
24 की फाइनल कॉल को बुशरा बीबी की लॉन्चिंग सेरेमनी कंसीडर कर रहे हैं। क्या आपको लगता है बुशरा बीबी की लॉन्चिंग सेरेमनी कंसीडर हो रहा है? नहीं, मैंने आपसे देखे पहले बात की है कि इसमें इमरान खान, अभी आपने बुशरा बीबी का नाम लिया, गैर खातून होने के लिए नाते सबके लिए काबिल एहतराम है, मगर बात यह कि जब वो सियासत में आएंगी और सियासत में आकर जिस तरह उन्होंने पेशावर में बिरला हाउस में बैठकर अपने अराकीन असेंबली से हलफ लिया और जो उन्होंने एजेंडा सेट किया, तो वो एजेंडा जो था वो सिर्फ इंतशार का एजेंडा था, वो वही एजेंडा था जो इमरान खान का था। तो इसलिए इन लोगों को पीटीआई की जितनी भी लीडरशिप है इस तरह की, उन सबको आप किसी भी तौर पर जो है वो एज ए पॉलिटिशियन तो नहीं ले सकते, सिर्फ इंतशारी कैफियत में ले सकते हैं कि ये एक हिजानी और ये जहनी तौर पर बीमार लोग हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए ना, ये बीमार लोग हैं जहनी तौर पर, और सिर्फ इनका एक ही एजेंडा है कि इन्हें इख्तदार दिया जाए और इमरान खान को बाहर लेके आया जाए। बुशरा बीबी का जो था वो भी एजेंडा यही था जो खान साहब ने दिया था और वो उसे फुलफिल कर रही थी, इसलिए उनके ऊपर या उनकी पार्टी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाने की जरूरत, क्योंकि ये इनका मखसूस एजेंडा था कि पाकिस्तान को इंतजार की कैफियत में रखें। देखिए अभी आपकी स्टॉक मार्केट बेहतर हो रही है, बैरूनी तौर पर पाकिस्तान को जो है बेहतरी की तरफ पाकिस्तान जा रहा है और बैन अवी सतह पर भी पाकिस्तान के किरदार को संभाल जो है वो रिकग्नाइज किया जाए और इकॉनमी जो है किसी हद तक जो है वो भी ग्रोथ उसकी उस तरह तो नहीं, मगर ये है कि थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हुई है। तो इस सूरत हाल में ये इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था पीटीआई की लीडरशिप को, और इसीलिए उन्होंने ये जो आप बात करें पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान देने के लिए और बैरूनी सतह पर और बैरूनी जो दोस्त है पाकिस्तान के एतमाद कर रहे थे उनका एतमाद खराब करने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर लाइन आर्डर की सूरत हाल खराब रहेगी, एहतजाज रहेगा और हुकूमत जो है वो सड़कें बंद करेगी, मोटरवेज बंद करेगी, पब्लिक आमदोरफ्त खत्म हो जाएगी, तो ऐसे में कोई कारोबार यहाँ पे नहीं हो सकता। ये इनका एक्चुअली एजेंडा था कि इस तरह का हुकूमत ने जाहिर है अपना रिट ऑफ गवर्नमेंट तो उन्होंने मनवानी थी, उसके लिए उन्होंने जो इकदाम किए, मगर उन इकदाम का बैन अवी तौर पर पाकिस्तान को काफी हद तक नुकसान हुआ है। तो इसीलिए इस दफा जो है जब कल प्राइम मिनिस्टर के इजलास हुआ है उसमें आर्मी चीफ भी शामिल थे और डीजीआईएसए भी शामिल थे और दूसरे तमाम गवर्नर और वजीर आला भी शामिल थे, केपीके के अलावा जो उनके वजीर आला थे झंडापुर के अलावा, तो उसमें बड़ा क्लियर मैसेज गया है कि अब इनके साथ कोई जो है नरम रवैया नहीं रखा जाएगा। अगर इन्होंने खुदा ना खास्ता मजीद कोई कॉल देने की कोशिश की तो इनकी कॉल वहीं पर फिक्स कर दी जाएगी इस दफा जो है इन्हें बिल्कुल, और ये पंजाब की हद तक तो देख लेंगे, इस दफा जो इन्होंने कॉल दी थी अपनी लास्ट कॉल दी थी उसमें पंजाब में इन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला, सिंध से कोई रिस्पांस नहीं मिला, बलूचिस्तान से कोई लोग नहीं आए, आजाद कश्मीर से इन्हें वो फेवर नहीं मिल सकी, केपीके में सिर्फ क्योंकि इनकी गवर्नमेंट थी तो वहां पर कुछ चंद हजार लोगों को, 20 या 30 हजार लोगों को ये लेके जरूर आए हैं, मगर उसमें भी मेजोरिटी जो थी पाकिस्तान के जो अदारे थे उन्होंने बता दिया था और वो चीज खुल के भी सामने आ गई कि उसमें टीटीपी और अफगान रेफ्यूजीज और वो लोग जो सरकारी अफसर सरकारी मुलाजमीन और उन्होंने जो बाहे हुक एंड क्रुक लोगों को बरकला कर जो लेके आए हैं पैसे देकर, ठीक है, दिहाड़ीदार, तो वो लोग शामिल हैं। इस वक्त वो जो पकड़े गए हैं लोग 4000 से ज्यादा वो उसके जेलों में मौजूद है और उनकी कोई जमानत नहीं हो रही, उनके कोई केस उनका नहीं हो रहा, उनके जमानती सामने नहीं आ रहे, बिल्कुल उनके लॉयर्स परेशान आ रही उस तरह से।